वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे जी? ये हमने कर सर कह रही लिया हूँ था, सॉरी, ओपन है यार। नो सर, ये हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी पे थे तुम्हारे कुछ अकाउंट, ये लास्ट वाला बैलेंस करने का जी, रहता था, और उसके बाद एक बस फिर एडिशन ही है। ये वाला रहता था और कौन से रहते थे, एक कोई एडजस्टमेंट भी रहती थी, सारे कर लिया था। चलिए देखते हैं ना जहां सर फिर। अच्छा एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से सारी हो गई थी, बस अकाउंट बैलेंस कर रहे थे हम लोग। अच्छा ये मैं पहले इसको एडजस्ट करें। आप प्री पेमेंट हमने कर दिया था एडजस्ट, प्री पेमेंट किधर गया है? वेयर इज प्री पेमेंट? ये पीएनएल को चार्ज कर दिया ना, बस ठीक है, क्लीन हो गया। पीएनएल को चार्ज कर देते या अक्रूड लाइबिलिटीज को चार्ज कर देते। ठीक है जी सर हम बैलेंस कर रहे थे ना आखिर आखिर में। जी जी ये बैलेंस कर बैलेंस रहे थे, कर बैलेंस ले रहे थे। ये भी हमने, अच्छा ये भी एडजस्ट कर दी थी, ठीक है ये भी शायद एडजस्ट कर दी थी इसको भी। चाहे अक्रूड लाइबिलिटी जिसका निकाले जी बैलेंस फिगर यहाँ पे, ये कैश पेड होगा, चार्ज करना है पीएनएल को तो हो गया ना, कैश पेड को चार्ज करना है। वन एट्टी प्लस 5 5 5 वन प्लस 2 1 1 4 1 7 5 4 3 आ रहा है, आई थिंक सो 7 5 4 3 राइट, 17 54 3 17 है, आई डोंट थिंक सो। 17 नहीं ये देखिए 8 180 है, इट्स नॉट 1800 और समथिंग। 7 5 6 सर 180 180 लिखे सर। देखिए ये दोनों 17 कैसे बन सकता है, 5000 जमा 2000 प्लस 100 इतना ज्यादा सर ना, सॉरी सॉरी सर, वो मैंने पी एन एन लेना, उसको वो एल की जगह 1 लिख दी है। बस वही ना गलती। चले कोई नहीं, 7 5 4 3 आ रहा है। अच्छा ये जो आपके पास अब आ रही है ना, ये वाली लाइबिलिटी, यस सर यही आ रहा है 7 5 4 3। सर ये प्री पेमेंट जो है ना, इसको इधर ना चार्ज करें, ये प्री पेमेंट है ना, इसको भी उसी के अंदर चार्ज करें आप, एक्रूड लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये उसी की प्री पेमेंट हो रही है। हाँ ये पी एंड एल में नहीं जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी प्री पेमेंट 84 से, इसको रिड्यूस कर दें आप 84 से 7 4। राइट और पी एंड इधर से हमने की चार्ज की थी प्री पेमेंट इसे, अच्छा इधर नहीं की, सिर्फ ऊपर ही कर दी थी, ठीक है। हाँ बस सही है, बेहतरीन है, ये आ गई ना। अब ये जो आपके पास ये पेमेंट आई है ना, ये वाली, ये दिस इज, ये क्या आ गया आपके पास ऊपर चले, जहां पे जगह नहीं छोड़ी थी इसके लिए, कैश पेड टू अदर सप्लायर्स, ठीक है जी। कितना आ रहा है? 7 4 5 9। ठीक है जी, बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा और बताएंगे, ये भी एडजस्ट कर दिया है, ये भी एडजस्टेड है में, और कौन सी चीज, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, हाँ जी ये कैश में कैसे लेगी, पीएनएल डेबिट और कैश डेबिट, बस ठीक है इसको कैश में ले लो सर, इसकी
और कुछ रह गया या कुछ नहीं रह गया? मेरे घर में हो गई है ना बाकी, रिटेन्ड अर्निंग रह गया जी, रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है इसमें। अब कोई 2 दिन का गैप आ गया, मुझे भी भूल गई एंट्रियां कौन सी की कौन सी नहीं। निकालें जी भी यहां से प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल रहा है? सर ये प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा जी? मैं सुधर ही जाएगा, ये जाएगा यहाँ से वहां ही जाएगा, लेकिन इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाता था ना, इसमें ये फर्क है। राइट राइट, ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे पर्सनली भूल गया कि हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट की थी और कौन सी नहीं की थी, क्योंकि 2 दिन का गैप आया और +1150 इसलिए अगर कोई -115 अच्छा जी यार 26597301035507 3507 ठीक है जी, ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, ये जाएगा यहाँ से आपके रिटेन्ड अर्निंग में, यहाँ पे जाके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? -665 -165 -165 -162 ये जो आपके पास की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, ये डिविडेंड भी आ जाएगी 1200। ठीक है जी, अब जाके पोस्टिंग वहां कर देते हैं हम। हसीब समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर मैं तो बैलेंसिंग फिगर ही देख रहा हूं, डिविडेंड आ गया 1200। ये जो कैश में हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैश आया है ना हमारे पास आ रहा है, ये आपके ऑपरेशन से आ रहा है, ये रिवेन्यू को चार्ज, रिवेन्यू का पार्ट बनाना था हमने, नीचे और कोई चीज स्किप तो नहीं की हमने? लॉन्ग टर्म लोन ये एडजस्ट किया था हमने, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इन लोन, किए ना वर्किंग लाइन डिविडेंड आ गया 1200 से 21184। मेरे ख्याल में कुछ रह तो नहीं है, 460 इंक्रीज इन आईपी 204 आई थिंक सो सारा कुछ। एक ये 200 को इसको कहाँ पे लेकर गए, क्या क्लॉज थी? हाँ जी कैश सेल्स मोड बस, राइट कस्टमर से रिसीट हो रही है ना। हाँ जी और तो नहीं कुछ रह गया था, बस टोटल करते हैं इसे। समझ आया है ये क्वेश्चन? नहीं आया सर, आया है। इसे आपको एडजस्टमेंट तो समझ आएंगे ना अब, क्योंकि हम लोगों ने yes, इस तीन चार अभी आज छेवा या पांचवा दिन बन रहा है, गैप हो गया इसलिए yes, सर, वो क्रॉस एडजस्टमेंट बहुत लंबा हो गया ना, तो मुझे इसकी वो उसमें नहीं याद कि हमने कौन सी चीज पोस्ट की थी या कौन सी नहीं की थी, तो कोई स्किप तो हो सकती है लेकिन आपको एंट्रियां तो सारी समझ आ गई ना। तरीका मैं आपको एक और इस पे क्वेश्चन कराता हूँ जिसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म करें। ओके सर। हमजा भाई आपको समझ आया? यस सर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन और करते हैं ना, तो
इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा। फोर फिफ्टी दो बार कैसे आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, 460 है। अच्छा जी, सिक्स टू वन सिक्स आ रहा नेट कैश, गलत ही लग रहा है, एडजस्टमेंट मिस हुई। ओपनिंग देखो कितना आ रहा है, शदीद गलत आ रहा है हमारा, शदीद किस्म का। ये तो ठीक है, 11 11 हमारा ये भी 11। परचेज ऑफ पीपी 2241, 2241 आ रहा है हमारा, ये 2241 है, 2041 नहीं है, मेरी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ से गलती है, और बाकी देखे 112 सही आ रहा है हमारा, और रेंट फ्रॉम आईपी 184 किधर एडजस्ट हो, तो इन्होंने तो नहीं लिखा नहीं ऊपर आ रहा है, कैश फ्रॉम मेरा टेनेंट्स ऊपर से ये आ रहा है, सब ऑपरेटिंग से आ रहा 180 है, कैश फ्रॉम ये टेनेंट्स। सब। ठीक है, मतलब एंट्री तो डली हुई है ना इसकी ऊपर, इसको भी आप रिक्लासिफाई कर लीजिएगा कैश फ्रॉम टेनेंट्स में। ठीक राइट है, ये मतलब ये दोनों ठीक हैं। इंटरेस्ट पेड देखिए 1185 आ रहा है, 1185 आ रहा है, 940 टैक्स पेड, 940। अच्छा, कैश फ्रॉम अदर सप्लायर्स 74959, ये भी ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर्स, एक तो इसमें मसला कुछ लग रहा है शायद, ये इस वाले में राइट, और यस एक ऊपर वाले में लग रहा है इसमें मसला। इन कैश दोनों रिसीव देखें, क्रॉस फ्रॉम चेक कर लेते हैं कि कस्टमर्स। क्या मसला है, मेजरली कोई रिक्लासिफिकेशन वगैरह का होगा, क्योंकि इंटर का तो हमने सारी डाल ली, या फिर पोस्टिंग में मसला होगा टोटल वगैरह करने में। सेल कितनी आ रही है जी, 29 2970। सेल्स का अकाउंट देखें आपका किधर है, सेल्स और रिसीवेबल दोनों को चेक करें, ये है ना आपका रिसीवेबल का अकाउंट राइट, 3600 3800 200 ये हो गए, और सेल फॉर द कॉ का बैलेंस की 210 भी हमारा आया था ऊपर कैश। 210 ही कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से आया था ना नीचे, हमने यहाँ पे यस सर वो आया आया था, मैं ये कह रही थी था वो ना तो आया था। 210, वो हो गया, यस सर ये ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क हो गया राइट। 2138 हाँ कैश सेल्स सिर्फ ली थी, क्रेडिट सेल्स ली थी, ऐसे किए था ना मैं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स ली थी, सेल्स टोटल थी सर हाँ, हमने अलग अलग तोड़ा था ना, इन दोनों को ऐड करें उसके बराबर आ रहा होगा। ऊपर देखें 2184 जमा 8316 जीरो 2184 टू जमा थ्री वन सिक्स इसकी सेल्स कम कैसे, हमारी ज्यादा कैसे हो रही थी, ये ब्रेकअप किसने निकाला था मुझे बताया जरा, ये गलत है, ये ब्रेकअप ही गलत निकाला वो जिसने उस दिन कंप्यूटेशन सर, की, हमजा कैलकुलेट कर रहा था उस दिन। ये ब्रेकअप गलत निकाला हुआ है, इसकी वजह से पोस्टिंग नहीं सही हुई, तो ये 1000 रुपए का ये उधर से फर्क आ रहा है राइट।
तरीका यही है, इल्जाम लगा रही है ये तरीका जो हमने किया था, तरीका वही है, तरीके में मसला नहीं है, पोस्टिंग में मसला है। मैंने उस दिन लिख के भी आपको दिखाया था कि इसको कैसे ब्रेक करना है। किधर गया जिसका ब्रेकअप 72%? हाँ ये बिल्कुल, ये किसका निकालना था? 72% 29700 इंटू 72%। अब ये 213 21384 अभी देख लेते हैं इसने सही बताया था या नहीं, या मैंने गलत लिखा। 8316 8316 21834 और 8316 है। 21 अच्छा हाँ नहीं बताया तो ठीक है इसने 21384 सर खुला है माइक नहीं नहीं सही किया है 21 बस ठीक है ठीक है ठीक है 3600 प्लस हाँ रिसीवेबल सही है ना बराबर ठीक है 8 माय बैड 8316 21 अब बताएं जी टोटल कितना आ रहा है। टू स्टिल अब ब्रेकअप देखो किधर आ रहा है 2700 सर टोटल आ रहा है 2900 ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क ले सर 2183 जी जी 2900 21384 पे आप अगर ऐड करें 3816 तो 2970 ही आ रहा है 8316 ओ राइट 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 3800 ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट प्लस 21384 प्लस 3800 सर ये कैलकुलेशन जिसने की थी ना सुभान अल्लाह ये उसने ये गलती की या 21184 आ रहा है या फिर आप लोगों ने गलत बोला या मैंने लिखा गलत है ये मसला यहाँ से हुआ सारा 21184 अब देखिए अब ये आपका एडजस्ट हो जाएगा सारा 8316 प्लस 21184 प्लस 210 29710 बेहतरीन ठीक है जी। इसी तरह आप उधर भी कोई गड़बड़ की होगी कैलकुलेशन में। कॉस्ट ऑफ सेल है जी 15750 हमारे, हमने कैसे निकाला जी पेबल का अकाउंट देखे जाके है गिचमिच बन गई है। जी ये पेबल का अकाउंट है ना, कैसे निकाला जी ये आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स नो कॉस्ट ऑफ सेल्स इन सेल्स अकाउंट जी 15750 ये आप किधर 15750 आपने किधर लिखा है सर हमारा 15450 है मिस ये देखिए ना कहाँ से निकाला था हमने बैलेंसिंग निकाली थी 15750 यहाँ से निकला इसके अंदर हमने स्टॉक का इंपैक्ट लिया 300 का 300 का स्टॉक का इंपैक्ट लिया तो हमारे पास कितना आ गया फिर देखो ये ऐड हो रहा है ये फिर किसी ने कैलकुलेशन में गलती की है स्टॉक एंड ट्रेड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट जी बिल्कुल ये अकाउंट ऐसे ही बनता है हाँ अल्लाह इधर भी गलती की हुई है कैलकुलेशंस के अंदर ये कौन उसने कैलकुलेट कर रहा था बताएं सर निहाब और मैंने दोनों ने कैलकुलेटर उठाया हुआ था और निहाब बार बार आपको बता रही थी ये मैंने छोड़ दिया था याद है जो भी था मैं चारों दिन तो मैं नहीं हो सकता ना एक दिन ही मैं 16050 16050 अब आप करें एडजस्ट तो प्लस 530 लेस 34180 सर मैं पिछली रिकॉर्डिंग सुन के ना आपको बताती हूँ कौन था सर ये हमसे ही था जी ठीक है 18018 मेरे ख्याल में उससे बेहतर आप ये क्वेश्चन दोबारा खुद से कर लीजिएगा टाइम भी बच जाएगा और आप बाद भी बैठ जाएगा 18018
जी ये 18018 बराबर आ गया। ये बस प्योरली जिस बंदे ने कैलकुलेशंस की है ना उसकी मिस्टेक थी, जहां ऐड करना था वहां लेस कर दिया, जहां लेस करना था वहां ऐड कर दिया। अब ये तो राइटिंग मिस्टेक तो नहीं है ऊपर वाला, चलो मैं मान लेता हूँ, हो सकता है आपने सही बोला मैंने लिखने में गलती कर दी हो, लेकिन लिखने में भी दो जगह तो गलती नहीं कर सकता, अगर मैंने गलत लिखा होगा तो आप लोग देख तो रहे होंगे। अच्छा जी आप टोटल करते हैं इनका 2910 माइनस, अब बराबर ही हो गए सारी फिगर तुम्हारी टैली हो गई 749 2108। और ये परचेज है ना यार, ये भी नेगेटिव में लिखना था, माय बैड। आप लोगों ने भी नोटिस क्यों नहीं किया, ये परचेज हो रही थी, कैश आउट फ्लो हो रहा था 2108 2108। ठीक है जी, चलो मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ 1 1 2 4 0 2 4 0 5। जी 286 नेगेटिव और ओपनिंग यहाँ 480 आ रहा है, कैश एंड कैश 480, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 194। ठीक है जी, यस सर। अब देखो हमने कहीं भी डबल एंट्री मिस नहीं की ना, कोई एक जगह कहीं हमने डबल एंट्री नहीं में, और हमारा आंसर बिल्कुल टैली हो गया है। आपको मेरी यही हदायत है कि आप लोग भी जो भी क्वेश्चन करें उसमें अपने जो भी एक लफ्ज भी यहाँ पे लिखे है ना उसकी डबल एंट्री करनी है, इस तरह मैंने आपको एक लफ्ज की डबल, एक एक जो कोई जहाँ पे जीरो डाला जहाँ वन डाला है उसकी डबल एंट्री करवाई है। Yes, sir. तो आप लोग भी करें इंशाल्लाह, इस तरह आप लोगों का भी टैली हो जाएगा। ओके सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी एक बताएं, और सर स्टार्ट हो जाएगा परी, चलें कर लेते हैं, कर ले स्टार्ट हो जाएगा परी, क्या करें सर स्टार्ट कर देना, एंड हो गया तो हो गया, ना हो ना सर एक्सेल पे करा तो जल्दी हो जाएगा, क्या कहते हो? ओके सर, फिर एक ही बात है कराएंगे ना कर कराएंगे ना नहीं यार ऐसी बात है ना, ना कैलकुलेशन खुद करते हैं तो थोड़ी बहुत समझ भी आती है, वरना तो कुर्सी पर चलो फिर इस बार आपसे करा लेता हूं मैं, आप लोगों से, और नहीं नहीं मतलब मुझसे नहीं बात में से। अब ये देखो ना ये 7 दिन पे क्वेश्चन निकल के तो अच्छा, एक बल्कि मेरी और नजर से क्वेश्चन यहां पे गुजर रहा था वो भी काफी अच्छा लिखा हुआ था, उसमें एडजस्टमेंट्स भी थी साफ थी, वो आप लोगों ने अभी तक मुझे कोई टेस्ट नहीं जमा कराया, मैं आज वो कैश फ्लो से क्वेश्चन देख रहा था एम एस सी 1 के, उसमें से मैंने निकाले हैं, मैं आपको दूंगा अब। चैप्टर 6 टैक्स का कब देना टेस्ट आप लोगों ने? सर आप होमवर्क दिया करें, होमवर्क से क्या मुराद है? आप लोग मुझे चेक करवाएंगे, आप लोग अगले दिन मुझे भेज देंगे सॉल्व करके? जी इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको ये भी एक क्वेश्चन देता हूँ कैश फ्लोस का, ये आपने मुझे कल देना है, ठीक हो? डायरेक्ट मेथड से करोगे सर? कौन सा मेथड करेंगे? बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात नहीं करें, पहले डायरेक्ट कर लें कि वो आज ही हमने किया है ना, देखकर था बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको करवाया है ना जो मुश्किल था से भी अच्छा एक कल अभी तो ज्यादती नहीं हो जाएगी क्यों? मतलब घर से भी डांट खाएंगे आपसे भी डांट खाएंगे यार ना कल कल क्या सोग मनाना है
टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर करेगा जी। ये वाला लेनी छोड़ दिया, सॉरी लेते थे अब लेनी छोड़ दिया, अब रिजल्ट ले किया था। मिस ये वाला, ये 20 क्वेश्चन नंबर 26 है जी, KLEA। ओके सर, पेज नंबर बता देता हूं, ये भी हम डिस्कस भी कर लेते हैं। 125, इसमें जो मुश्किल चीज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको टेक्निकली कोई मसला ना हो। ये तो आपके पास सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं आपने। अच्छा जी, आपके पास ईयर एंड 2015 है, अच्छा ठीक है। ये कॉस्ट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, अच्छा लैंड की रिवैल्यूएशन हुई है, राइट? ओके सर, लैंड रिवैल्यू हो रही है। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? पीपी डेबिट हुआ होगा 2 मिलियन से, 1 मिलियन से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ होगा 1 मिलियन से। उसका ही होती है, उसी आपके लेवल पे आया नहीं इसलिए मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालता। तो आपने क्या करना है, रिवॉल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में ये 1 मिलियन ऐड कर देना है और पीपी के अकाउंट में 1 मिलियन ऐड कर देना, राइट? अब चूंकि ये लैंड है तो उस पर डिप्रिसिएशन इंपैक्ट कोई नहीं लेना, ठीक है? yes. जी, अच्छा उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 600,000 एंड डिप्रिशिएटेड बाई 500,000 और सोल्ड फॉर 150,000, कैसे होगा? कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 600 मिलियन, 600,000, और WDV आ जाएगी आपके पास 500, कंसिडर डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी आ जाएंगी 150, यानी यहाँ से WDV डेप्रिसिएशन आ जाएगी 500,000, राइट? ये माइनस होकर तो WDV इधर आ जाएगी 100,000, ठीक है? और डिस्पोज आपने कितने का किया है, 150 का, ये 50 का क्या आ जाएगा, 50 का गेन आ गया, ठीक है जी। गेन को आपको पता है क्या करते हैं, रिवर्स ऐड करते हैं, लेस करते हैं उसके अंदर से, कैश फ्लोस के अंदर से, यस लेस करते हैं। तो आपने क्योंकि ये पी एंड एल के अंदर पोस्ट करना है तो आपने कैश फ्लो से लेस नहीं करना, ठीक है मिस? आपने डायरेक्ट पी एंड एल के अंदर, मैंने ये आपको जो पिछला क्वेश्चन था इसमें पोस्टिंग करवाई हुई है। Interest bearing loans related to debentures which were issued at nominal value rupees 400,000 of these debentures were redeemed at par during the year. जी, redemption हो रही है 400,000 के debentures की, क्या करेंगे इसके साथ? अब ये आपकी MFA और BFD का topic है, simple आप नहीं करना है, ये decrease in loan हो रहा होगा, right? क्या हो रहा होगा, डिक्रीज इन लोन, आपने एंट्री पास करनी होगी लोन पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस कर रहे हो। ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड फॉर कैश, जो शेयर कैपिटल में चेंज आ रहा होगा उसको अपने कैश में लेके जाना है, यानी कैश डेबिट कर देना है और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देना है, राइट? ये एंट्री पास करनी है। उसके बाद 100,000 ऑफ करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज कैश इक्विवेलेंट वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीस, ये क्या लॉस आ रहा है जी बताएं? 94,000 की चीज, 1 लाख की चीज 94,000 की आपने बेच दी है, इसका लॉस हो रहा होगा, ये ऐड कर दीजिएगा। ऐड तो खैर नहीं करना ना, ये डायरेक्ट मेथड है। लॉस को इसकी एंट्री ऐसे बुक करनी है आपने, लॉस डेबिट के लिए पीएनएल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये ऐसे एंट्री करेंगे। कैश आपके पास डेबिट होगा 94 से, लॉस डेबिट होगा 6 से, और कैश इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा आपके पास से 100 से, तो ये लॉस आ जाएगा यहाँ पे, पीएनएल के अंदर चार्ज कर देना आपने, राइट? ठीक है जी। उसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे की एंट्री पास करेंगे, क्या डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड ये रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ये 200 से रिटेन्ड डेबिट, हां कैश क्रेडिट, राइट? ये था इंटर, ये फाइनल डिविडेंड जो 2014 का है, यस सर, एंड इंटरिम डिविडेंड आपने फिर 2015 का पे किया, सिंपल ये एंट्री दोबारा कर दो, दोबारा डिविडेंड डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डिविडेंड डेबिट, ओके सर, कैश क्रेडिट,
यानी ये आपने टोटल में एंट्री 4 लाख की पास कर दी है, 4 लाख की एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई इसमें मसला ही नहीं है, इंतहा अच्छा ये इनडायरेक्ट मेथड है, सॉरी एक तो अच्छा ये इनडायरेक्ट ही कर ले यार, मैंने पढ़ाई दी है इनडायरेक्ट, ये वाली क्वेश्चन कर लीजिएगा, माय बैड, कल मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, आसान है, काफी आसान है जी, हो जाएगा क्वेश्चन? ये सर कोशिश कर सकते हैं जी, कोशिश नहीं इंश्योर करें ना, अब इसके तो मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं इनडायरेक्ट मेथड के, कोशिश करें, आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल एडजस्टमेंट्स भी नहीं, सारी पढ़ा दी मैंने आपको। ओके सर, ठीक है, चलें जी, एंड आल्सो द गुड लक फॉर टुमारोज रिजल्ट, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा वो भी, कितने कितने पेपर दिए हैं आप लोगों ने सर? एक कौन सा सर? बिजनेस लॉ का। जैसे आप लोगों को मतलब फीस जमा कराते हुए मतलब जरा सा भी वो जिसको बोलते हैं, अब हिंदी मेरी कमजोर हो गई है, जरा सा भी क्या बोलते हैं सर, एहसास, एहसास नहीं हिंदी का वर्ड यार, वो भूल गया, उर्दू का वर्ड है भाई, आपकी तो उर्दू भी कमजोर है जरा सा वो, चले जो भी मतलब, वैसे आपको वो परेशानी या वो शर्मिंदगी नहीं हो कि हम लोग 6 महीने में एक सब्जेक्ट दे रहे हैं सर? ये तो फीस हमने 2 की दी थी, वो एग्जाम हो गए थे, हमने पेपर नहीं दिए। अच्छा, सर फीस तो हमने करवाई थी सबमिट, वो तो हमारी फीस जाया हो गई है, फीस जाया हो गई है, फिर ठीक है, सही है, चले अल्लाह खैर करेगा। बी लॉ दिया हुआ, दोनों ने बी लॉ दिया हुआ? यस सर, दोनों ने। हमजा आप, ये हसीफ आपने कौन सा दिया हुआ है? एग्जैक्टली सर यही दिया, बी लॉ दिया हुआ जी सर, एक ही पेपर दिए और बी लॉ दिया, चले ठीक है, अल्लाह ताला खैर करेगा सर। 2 के बराबर है आपके सर, मैंने 15 दिन में बी लॉ और बगैर क्लासेस लिए दिए था, इसलिए मुझे पता है कितना को, आप लोगों की बार तो फिर कोर्स कम है, हमारी बार कोर्स ज्यादा 27 चैप्टर होते थे सर। माशाल्लाह, आप तो आप है ना, मैं नहीं हूँ, आप पढ़ते हैं, इंसान एक जैसे नहीं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, इतना फर्क नहीं होता, और मैं तो उसके साथ और भी बहुत काम करता था, ये आप लोग तो चिल प्रोग्राम में है। चलें ठीक है, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।